लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्या नवम्बई एयरपोर्ट से 2024 में पहली उड़ान हो सकेगी? आखिर नवम्बई से दिल्ली और दुनिया भर की यात्रा का सपना कब पूरा हो सकेगा? राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वर्ष 2024 में नवम्बई एयरपोर्ट से पहली उड़ान का भरोसा दिला रहे हैं, यानी नवम्बईकरों को एयरपोर्ट के लिए अभी 3 से 4 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। इसे बिल्डरों और ग्राहकों के साथ विश्वासघात माना जा रहा है, जिन्हें 2019 में पहली उड़ान का सपना दिखाकर जमीन और मकान बेचे गए। जाहिर है नई डेडलाइन की आड़ में सिडको को अपनी जमीनें बेचने का और मौका मिल गया है। देखिए रिपोर्ट। विमानतल शुरू होना रहते 2024 मध्ये, आपण आहे 2021 मध्ये। पहली उड़ान की उम्मीद मेरे ख्याल से कब कर रहे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहली नींव कब रखें, पहला काम हम कब करें। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया है जो सबसे पहले करना है। हमारी तरफ से हमें 100% ज़मीन जो है वो ज़मीन प्राप्त करनी है, और उससे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, गांव के लोगों के छोटे छोटे डिमांड्स है, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ले लिया वो निकले नहीं है। तो मैंने इसके लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल एक जॉइंट MD को एयरपोर्ट का काम एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है कि ये सारे जो लैंड और रिहेबिलिटेशन के जो इशूज़ है उसको डील करना है। दूसरी तरफ से जो है कंसेशनर जो है, कंसेशनर ने अपना फाइनेंशियल क्लोजर करना है। तो उसके लिए जो है अभी कंसेशनर के साथ हमारा डिस्कशन जो है वो डिस्कशन चालू है। ये दो चीज़ें अगर आ जाती है तो देन उसके बाद ये प्रकल्प जो है वो पूरी तरीके से चालू होगा। क्या 2024 में पूरा होगा नवम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण? जी हाँ, यह सवाल आज लाखों नवम्बईकरों, बिल्डरों और घर खरीदारों के जहन में बार बार उठ रहा है कि आखिर नवम्बई एयरपोर्ट से पहली उड़ान कब होगी। यह सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सिडको ने इसी एयरपोर्ट को दिखाकर अपनी जमीनों का सौदा किया। फिलहाल एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख बार बार बदल रही है। पहले वादा किया गया कि वर्ष 2016 में उड़ान होगी, फिर चुनाव के बाद मार्च 2018 में, और फिर तारीख बदल कर पहले अप्रैल 2019 में और फिर दिसंबर 2019 में कर दी गई, लेकिन उड़ान तब भी नहीं हुई। जाहिर है जब काम अधूरा होगा तो उड़ान का सपना भला कैसे पूरा होगा। अब नए सरकार के डिप्टी CM अजीत पवार ने घोषणा की है कि नवम्बई एयरपोर्ट से पहली उड़ान 2024 में होगी, यानी अभी नवम्बईकरों को 3 से 4 साल तक एयरपोर्ट का इंतजार और करना होगा। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। किती दिवसापासून आपण म्हणतोय आपलं विमानतळ आता लवकर पूर्णत्वाला जाईल आणि त्याच्यानंतर सगळे म्हणजे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं अतिशय चांगलं पहिलं महाराष्ट्रातलं 2 धावपट्टी असणारं विमान की जिथं एका बाजूला लँडिंग होईल एका बाजूला टेक ऑफ होईल अशा पद्धतीनं ह्या सगळ्या गोष्टी फास्टपणे झाल्या पाहिजेत। त्याच्यात पहिल्यांदा GVK ग्रुप आलेला होता, नंतर पुन्हा तिथं अदानी ग्रुप आला, अशा वेगवेगळ्या लोकांचा पहिल्यांदा विरोध होतो। सिडकोच्या पण जागा घेत असताना, भूमिपुत्रांच्या जागा घेताना त्याच्यातनं मदत झाली पाहिजे। त्यांनाही असं वाटतं का म्हणे की बाबा आमच्या जमिनी काढून घेतल्यावर आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं। अजित पवार का भरोसा, अडानी को मिला कॉन्ट्रॅक्ट, गतिमान होगा निर्माण। बताना जरूरी है कि वर्ष 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े तामझाम के बीच नवम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, तब वादा किया गया था कि 2019 के चुनाव से पहले ही एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन राज्य में सरकार बदलते ही मोदी सरकार उदासीन हो गई। जाहिर है 2010 से लेकर आज 2021 तक प्रकल्पग्रस्तों का विरोध चल रहा है। 10 सालों में कॉन्ट्रैक्टर बदलते रहे, लेकिन इन सच्चाइयों को छुपाकर सिडको ने अपनी ज़मीनें बेचना जारी रखा, जबकि एयरपोर्ट का काम बाधित रहा। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भरोसा दिला रहे हैं कि एयरपोर्ट निर्माण की अड़चनें खत्म हो गई हैं और अब हवाई अड्डा का निर्माण गतिमान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है और प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाते हुए नवम्बई एयरपोर्ट का निर्माण जल्द पूरा करना चाहती है। खरोखरीच विमानतळ गतीने पुढे जाईल असं वाटतंय। विमानतळ
सुरू होणार आहे ते 2024 मध्ये. अशा पद्धतीने आम्हाला आता डेट दिलेली आहे, असं टार्गेट ठेवलेलं आहे आणि त्या काळामध्ये ते पूर्ण व्हावं. आणि ज्यांनी घेतलेलं आहे, आज जी देशातली दोन श्रीमंत ग्रुप आहेत त्याच्यातल्या एका ग्रुपनी ते घेतलेलं आहे, त्याच्या आर्थिक बाबतीमध्ये अडचण कुठली राहील असं मला त्याच्यामध्ये अजिबात वाटत नाही. फिलहाल 12 वर्षों से बिरबल की खिचड़ी बना नवीमुंबई एयरपोर्ट 2024 में भी पूरा होगा या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन सिडको के लिए इसकी आड़ में जमीन बेचने का 3 साल और मौका मिल गया है. जाहिर अगले महानगर पालिका और लोकसभा इलेक्शन में भी यह चुनावी मुद्दे के तौर पर गूंजता रहेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.